कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पे? बेटा जी हुई है तो। हाँ बेटा का वो सॉन्ग है ना, कोयल सी तेरी बोली, वो अपने भाई का व्लॉग। आई होप कि आप समझ होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1992 के अंदर एक सुपरहिट मूवी आई थी बेटा। तो गाइज उस मूवी का एक सुपरहिट सॉन्ग था कोयल सी तेरी बोली। तो गाइज आज बेसिकली उस गाने की शूटिंग लोकेशन देखने वाले हैं। तो गाइज आज मैं फिर से पहुँचा हूँ जयपुर के कनक बाग में, जो कि सिंधी कैंप से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कनक बाग बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारा, और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है नटवर जी का मंदिर और राधे कृष्ण जी का मंदिर है। तो गाइज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बेटा मूवी, कि बेसिकली अनिल कपूर सर और माधुरी दीक्षित की मूवी है। उस मूवी का सुपरहिट गाना है कोयल सी तेरी बोली। तो आज की इस वीडियो में हम उस गाने की शूटिंग लोकेशन देखने वाले हैं, किस प्रकार से वो गाना इस बाग में शूट किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज फाइनली वो टिकट ले लिए, तो अभी कनक बाग के अंदर चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कनक बाग के अंदर से जो भी सीन शूट किए हुए हैं। तो गाइज ये है कनक बाग के अंदर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा, कितना खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे। गाइज काफ़ी मूवी की शूटिंग हो चुकी है और पहाड़ों के बीच में स्थित ये जगह होने के कारण बहुत ही मनमोहक और यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लगता है आने पे, आप भी कभी विजिट करो। तो गाइस सबसे पहले वो यहाँ से देखते हैं कनक बाग के अंदर से कोयल सी तेरी बोली है उस सॉन्ग के अंदर किस प्रकार से यहाँ पे सीन शूट किए गए हैं। तो गाइस गाने का पहला सीन है ना, वो यहाँ से दिखाया जाता है। जब यहाँ पे गाना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अनिल कपूर सर और माधुरी दीक्षित मैम यहाँ पे वो डांस करते रहते हैं, जिसमें हमें जो ये पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हो ना, जिस जो ये कनक बाग का मुख्य दरवाज़ा है जिससे अभी हम इस गार्डन के अंदर आए हैं, वो आप दरवाज़ा परफेक्ट और मैच कर सकते हो। और यहीं पे है ना ये गाइज पेड़ था, वो पेड़ क्या है अभी कट चुका है, यहाँ पे प्रॉपर पेड़ था, यहीं से वो सीन लिया हुआ है जिसमें आप ये परफेक्ट नज़ारा पीछे का मैच कर सकते हो। और गाइज ये यहाँ से क्लोज सीन दिया जाता है जिसमें आप देख सकते हो माधुरी दीक्षित मैम यहाँ पे डांस करते हैं, जिसमें आपको ये दीवार दिख रही है ना वाइट और रेड कलर की, वो परफेक्ट मैच कर सकते हो। तो गाइज गाने का एक सीन ऑब्वियसली यहाँ से दिखाया जाता है, और जो पेड़ था ना वो गाइज अभी कट चुका है, तो आप सीन वो बिल्कुल मैच कर सकते हो। उसके बाद वो गाइज गाने का एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, कैमरा एंगल यहाँ से कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जहाँ पे वो माधुरी दीक्षित मैम वो यहाँ पे डांस करती रहती है। और जो आप ये पिलरों की डिज़ाइन देख रहे हो ना पिछली, जहाँ पे अभी आपका भाई चल रहा है, वो आप नज़ारा परफेक्ट मैच कर सकते हो। और ये बीच वाली गुंबज भी अपने को दिखाई देती है, तो वो भी आप नज़ारा मैच कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे एक क्लोज शॉट दिखाया जाता है जिसमें ये पीछे फाउंटेन चलते रहते हैं बहुत सारे, और ये पीछे की दीवार भी अपने को दिखती है। तो गाइज सीन वो यहीं से दिया जाता है जिसमें आप परफेक्ट और नज़ारा मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गया इस गाने का एक सीन वो यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें माधुरी दीक्षित मैम यहाँ पे डांस करती रहती है और अनिल कपूर सर यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो गाइस देखो कैमरा एंगल यहाँ से कुछ इस प्रकार से किया गया था जिसमें आपको ये पीछे वाली ये जो गुंबज है ना कनक बाग के बीचों बीच में जो गुंबज बनी है वो हमें परफेक्ट वो देखने को मिलती है, आप नज़रा मैच कर सकते हो। और उसके अलावा यहीं पर वो माधुरी दीक्षित मैम डांस करती रहती है। और उसके अलावा ये एक सीन में गए जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना गुंबज के पास, वो आप परफेक्ट यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो गाइस गाने का वो सीन है बेसिकली यहाँ से शूट किया गया जिसमें आप नज़ारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गया इस गाने का एक सीन, वो बेसिकली यहाँ से दिखाया जाता है जो कनक बाग है ना, वहाँ जस्ट पास में नटवर जी का मंदिर है, वहाँ से ये सीन लिया गया है। वहाँ पे है ना कोने पे ना माधुरी दीक्षित मैम यहाँ पे डांस करती रहती है, आप देख रहे हो ना परफेक्ट, आप ये कोना मैच कर सकते हो। और उसके बाद जो पीछे छोटी गुंबज और बड़ी गुंबज दिख रही है वो आप मैच कर सकते हो। तो गाइस गाने का एक सीन वो यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें नटवर जी की मंदिर की सीढ़ियाँ भी दिखती है, मंदिर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है, तो एक सीन और यहाँ से दिखाया जाता है। उसके बाद हो गया इस गाने का एक सीन बेसिकली यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें एक क्लोज शॉट लिया जाता है उसी जगह का जहाँ पे माधुरी दीक्षित मैम जो आप पहले वाला कोना देख रहे हो ना वहीं पे नाचती रहती है, जिसमें अभी पीछे छोटे गुंबज और उसके अलावा गए जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हो ना रेड कलर की, वो आप परफेक्ट आवाज़ भी मैच कर सकते हो। तो गए इस गाने का एक सीन बेसिकली यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें पूरा ये पीछे नटवर जी के मंदिर का व्यू देखने को मिलता है, तो गए इस गाने का एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। उसके बाद गए इस गाने के कुछ सीन है ना, वो जो हमारे राधा माधव जी का मंदिर है जस्ट कनक बाग के पास ही, वहाँ से शूट किए गए हैं। तो गए यहाँ पे ना गाने का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जो ये राधा माधव जी का मंदिर है इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये हॉल सा बना हुआ है, यहाँ पे वो माधुरी दीक्षित मैम यहाँ पे डांस करती रहती हैं, जिनमें आप ये पिलरों का नज़ारा मैच कर सकते हो। आपको डबल पिलर दिखाई दे रहे हैं, इन पिलरों के बीच में वो यहाँ पर डांस करती रहती है। तो गए इस गाने का एक सीन बेसिकली यहाँ से दिखाया जाता है। उसके बाद हो गया इस गाने का एक सीन है वो जो आप ये देख रहे हो ना नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से शूट किया गया, क्या ना गाइज नीचे जाना तो अलाउड है नहीं, तो मैं आपको नीचे जाके दिखा नहीं सकता, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली कैमरा एंगल है ना उनका नीचे से किया हुआ होता है, तो गाने एक सीन है ना बेसिकली यहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर माधुरी दीक्षित मैम और अनिल कपूर सर यहाँ इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं। तो गाइज गाने का एक सीन है ना वो यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें आप नज़ारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट और मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गया इस गाने का एक सीन है ना जो राधा माधव जी का मंदिर यहीं से दिखाया जाता है, जो आप ये देख रहे हो ना यहाँ हरियाली का नज़ारा, बेसिकली जो वो एक सीन है ना खिड़की से शूट किया जाता है। तो यहाँ पे ना गए उस टाइम पे तो क्या मतलब इतनी मतलब पेड़ पौधे झाड़ झड़ के नहीं थे, और अभी के टाइम पे यहाँ पे देखो कितना सारा जंगल हो चुका है और पीछे आपको जल महल का भी नज़ारा देखने को मिलता है। तो गाइज गाने का एक सीन बेसिकली यहाँ से शूट किया जाता है, जो ये झरोखा टाइप में देख रहे हो ना यहाँ से उस एक सीन है वो लिया जाता है।
उसके बाद गए इस गाने के कुछ सीन है ना, वो जो जस्ट पास ही में नटवर जी का मंदिर है वहाँ से शूट किए गए हैं। तो गए अभी देखते हैं। जो गए अभी आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही ना यहाँ से, वो माधुरी दीक्षित बेसिकली उतरते हुए आती हैं उस गाने के अंदर। तो अभी सीढ़ियों का नज़ारा परफेक्ट स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गए इस गाने का एक सीन है ना, वो सीढ़ियों के सामने से दिखाया जाता है, जिसमें भी आप ये नटवर जी का मंदिर और उसके अलावा गुंबज का नज़ारा, सीढ़ियों का नज़ारा और परफेक्ट आप मैच कर सकते हो। इन्हीं सीढ़ियों से वो माधुरी दीक्षित यहाँ पर नीचे उतरती रहती हैं। तो गाने का एक सीन वो यहाँ से दिखाया जाता है। गाने कुछ सीन ना वो नटवर जी के मंदिर ऊपर से दिखाया जाता है। तो गाइस गाने का एक सीन है ना वो यहाँ से दिखाया जाता है, जो आप ये गुंबज देख रहे हो इसके पास माधुरी दीक्षित में हम डांस करती रहती है ना, यहाँ पे अनिल कपूर उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो गाने का एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पे क्या ना मंदिर बंद हो जाता है 12 बजे के बाद, तो अभी फिर से है नाइट में एक सीन रह गया था। तो गाइस एक सीन में है ना यहाँ पे जो आप सर्किल से देख रहे हो, यहाँ पे माधुरी दीक्षित में हम डांस करती रहती हैं और पीछे वो पूरे कनक बाग का नज़ारा अपने को देखने को मिलता है। तो गाइस आप परफेक्ट हो जो आप सीमेंटेड रेलिंग और ये सर्किल और जो पीछे गुंबज का नज़ारा देख रहे हो और कनक बाग देख रहे हो, वो आप परफेक्ट मैच कर सकते हो।